हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बरसाइज किचन। आज हम बनाएंगे राजमा जो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजमा बनाना। ये 300 ग्राम राजमा है, इन्हें मैंने 7 से 8 घंटे पानी में भिगो दिया था और इसे अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे उबालने के लिए कुकर में रख देंगे। इसको कुकर में डाल देते हैं और आधा चम्मच हम नमक डालेंगे और आधा चम्मच ही हम खाना सोडा इसमें डालेंगे और इसमें पानी डाल देते हैं। पानी हमें इतना डालना है कि ये जो राजमा है हमारे पूरे इसमें डूब जाए इस तरह से। और बस कुकर को बंद करके 5 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। कुकर को बंद कर देते हैं और गैस पर 4 से 5 सीटी आने तक इनको हम उबालेंगे। चार से पांच सीटी आ चुकी है और हम इनको चेक कर लेते हैं। गैस उतारेंगे। देखिए हमारे राजमा अच्छे से गल चुके हैं और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। राजमा की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 टमाटर। इसे मैंने बड़ा बड़ा काट लिया। इसका हम पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में इसको पीस कर। और 2 बड़े प्याज लिए, इनको भी मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है। और 2 टुकड़े दालचीनी के, 8 से 10 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 हरी मिर्च और ये अदरक का टुकड़ा, और 10 से 12 हमने लिए लहसुन की कलियाँ। इन सभी को हम मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लेंगे और इसका भी अच्छा पेस्ट तैयार कर लेंगे। गार्निश करने के लिए लिया है हमने हरा धनिया। राजमा को छोंकने के लिए हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच जीरा। मसालों में मैंने यूज़ किया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। और 1 चम्मच ही लिए मैंने लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच लिया है गरम मसाला। तो आइए शुरू करते हैं राजमा बनाना। कुकर में हम तेल को डाल देते हैं पहले और इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें ये जीरा डाल देते हैं। जीरा हमारा अच्छे से भुन गया है तो ये हमने प्याज, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया था इसे डाल देंगे। इसे अच्छे से चला लेते हैं। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ये प्याज हमारी अच्छे से भून चुकी है, इसका तेल भी बाहर आने लगा है। तो अब हम इसमें ये मसाले लिए थे इन्हें डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया, नमक, में सारे मसालों को इसमें ऐड कर देते हैं और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका मसाला जल रहा है तो थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जिससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से भुन जाएंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ। मसाले भी हमारे अच्छे से भुनने लगे हैं और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इससे पता लग रहा है कि हमारे राजमा आज बहुत अच्छे बनने वाले हैं। देखिए मसालों को भी मैंने पानी डाल के अच्छे से भून लिया है और ये अच्छे से भुन गए हैं। इसका तेल बाहर आने लगा है तो ये जो टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया है इसको ऐड कर लेंगे और इनको मसालों के साथ अच्छे से भून लेते हैं। जितने आप टमाटर और मसालों को अच्छे से भूनेंगे आपकी सब्जी या राजमा उतने ही टेस्टी बनेंगे। टमाटर और मसाले को इसका तेल बाहर आने तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे, फिर इसमें हम राजमा डालेंगे। देखिए मसाला और टमाटर हमारा अच्छे से भुन गया है और इसमें से देखिए तेल भी बाहर आने लगा है। तो ये मसाला हमारा एकदम भुन के अच्छे से तैयार है।
तो जो राजमा उबले हुए रखे थे इनको इसमें ऐड कर देते हैं। एक बार चला देंगे। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देती हूँ और इसे एक सीटी आने तक पकाऊंगी। एक सीटी आ चुकी है तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। कुकर की स्टीम हमारी निकल चुकी है तो हम राजमा को सर्व कर लेते हैं। इसे हम हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। राजमा हमारे तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।